आयोग से भी कहना चाहता हूं, लिखा भी है केंद्रीय चुनाव आयोग को और बिहार के चुनाव विभाग को कि काउंटिंग की प्रोसेस बिहार में स्लो है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार सभी सीटों पर संपर्क में हैं, बहुत लो मार्जिन है, 3-3.5 लाख वोट की गिनती हुई है ऑन एन एवरेज, औसतन हर लोकसभा में, जबकि 10.5 से 11 लाख वोट की गिनती हर लोकसभा में होनी है। तो आप अंदाज कीजिए कि 30% से भी कम वोट काउंट हुआ है। अभी जो बिहार का आंकड़ा है वो बदलेगा, देश का आंकड़ा पलट चुका है। 400 पार की बात करने वाले 220-230 सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नतीजे की पूरी समीक्षा होगी, नतीजे की पूरी समीक्षा होगी, लेकिन मोदी जी का विदाई तय हो गया, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रहे हैं। इस पूरे चुनाव अभियान की जो नेता प्रतिपक्ष बार बार बोले कि 4 जून के बाद हो सकता है नीतीश जी भी बड़ा फैसला ले, क्योंकि नीतीश जी या चंद्रा बाबू ये व्यक्ति केंद्रित विमर्श के, वेंडेटा पॉलिटिक्स के, बदले की राजनीति के पक्ष में कभी नहीं रहे। हमने दोनों के साथ काम किया है और नेता प्रतिपक्ष बार बार कहते रहे एक बड़ी तस्वीर आएगी बिहार के संदर्भ में, हमारा आंकड़ा अभी डबल डिजिट में काफी आगे जाएगा, क्योंकि कई जगह हम 2000 से पीछे हैं, 300 वोट से पीछे हैं। वो सारी चीजों पर लगातार पूरी टीम तेजस्वी जी के नेतृत्व में हर किसी से बात कर रही है। वो लुभाव ये है कि आपके माध्यम से हम अपने तमाम समर्थकों को और बिहार की जनता को कहते हैं, रात तक काउंटिंग होगी, डटे रहना है, हिलना नहीं है। एक मिनट में अपनी बात खत्म कर लूं, फिर आपके सलट पलट का जवाब दे दूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तमाम लोग, मीडिया के साथी हो, हमारा समर्थक समूह हो, हमारे वोटर हो, एक एक ईवीएम जब तक गिनती ना हो जाए, चाहे रात के 12 बज जाए 1 बज जाए, हिलना नहीं है। जिनको हिलना था वो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी की विदाई तय, इसी में हमारी विजय और देश को एक बेहतर लोकोन्मुख प्रगतिशील विकल्प मिलेगा। और तमाम अधिकारी, उनसे भी एक आग्रह है कि अधिकारी लोग भी ध्यान रखें, सत्ता परिवर्तन हो रहा है वो रूल बुक से चले, संविधान से चले, किसी के दबाव में। किसी का फोन, बहुत फोन आएगा, अभी दिल्ली से फोन घनघनाना शुरू हो जाएगा, उस घनघनाने पे, और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सत्ता परिवर्तन में दो लोगों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होगी, चंद्रा बाबू नायडू जी की और नीतीश जी की। दोनों को उस तरह की राजनीति पसंद नहीं जो राजनीति हमारे संस्थाओं को कब्जा कर चुकी है, जो लोगों को प्रताड़ित करती है, जो रोजगार पे बात न करके भैंस मंगलसूत्र आदि आदि पे बात करती है। मनोज जी, आप बात कर रहे थे, एक एक करके पूछिए, जो दावा कर रहे थे 4 तारीख को नीतीश कुमार की बात हुई है, नीतीश कुमार से आगे मान ले मामला। सीधे तौर पे कहूँ, हमने एक सैद्धांतिक चीज बताया, नेता प्रतिपक्ष हमेशा कहते हैं कि नीतीश जी के साथ हमने काम किया, विरोध नहीं किया, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे अवयव और गुण जो इस तरह की एकात्म राजनीति, एकांगिक राजनीति जिसके मोदी जी और अमित शाह जी पैरोकार, उसके वो सहयोगी नहीं बनेंगे। ये हमारा